हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स है। उसमें फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करें, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो पोर्शन है ऑलरेडी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था, वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको जस्ट रिवाइज करना है। सबसे पहले पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन के अंदर आपको करना क्या होता है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर दे। इसमें और कोई थ्योरी टॉपिक एंड वगैरह कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बट उसके थोड़े कैलकुलेशन के स्टेप्स थोड़ी याद कर ले, कैलकुलेशन कैसे करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है तो फर्स्ट बैलेंस शीट क्लोज करना होता है, और बैलेंस शीट को क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। सो फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट को क्लोज करना होता है। बैलेंस शीट एक बार क्लोज हो गया तो सेकंड स्टेप आता है असेट्स को रियलाइज करो। जो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स है जिसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था सेल करने के लिए, तो असेट्स को सेल करो, असेट्स की वैल्यू रियलाइज करो। उसके बाद असेट्स कोई भी हो सकती है, रिकॉर्डेड भी हो सकती है, अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है, असेट्स को रियलाइज करो। इसके बाद लायबिलिटीज़ का पेमेंट करो, लायबिलिटीज़ रिकॉर्डेड भी हो सकती है, अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है, लायबिलिटीज़ का पेमेंट करो। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद पार्टनर्स की लोन अकाउंट का पेमेंट करो, अगर कोई पार्टनर्स की लोन अकाउंट है तो उसका पेमेंट करो। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके जो भी प्रॉफिट लॉस आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी पेमेंट बस है वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करो, एंड लास्ट में आपका कैश अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है, और इसी सीक्वेंस में नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना होता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट टॉपिक। सो क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, थ्री पार्टनर्स है पी क्यू आर, थ्री पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 2:1। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2011 इज एज फॉलो। पहले आपको बोला है पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स है पी क्यू आर, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला है 2:1 है, थ्री पार्टनर्स आते हैं पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 2:1, एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2011 इज एज फॉलो। तीन पार्टनर्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, बैलेंस शीट आपको दी है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल पी क्यू आर तीनों की कैपिटल है, टोटल मिला के 1,92,000 कैपिटल, रिजर्व्स आर 60,000, यहाँ पे इनर अमाउंट अंदर चली गई है, अमाउंट 60,000 है, क्रेडिटर्स है 48,000, ऑन द असेट साइड देर इज प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000, फिक्सर्स 24,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 48,000, एंड यहाँ पे जो कैश बैलेंस है इसको आप असेट्स की साइड समझिएगा, जो कैश है दैट इज 60,000, बराबर, कैश बैलेंस है 60,000। सो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज और असेट्स हमने रीड किए। इसके बाद दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस एंड द फॉलोइंग वाज द अमाउंट रियलाइज। इन लोगों ने डिसाइड किया कि बिजनेस को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, और असेट्स का रियलाइजेशन कैसे हुआ, कितना हुआ, दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। पहला बोला है प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000, असेट्स की वैल्यू कितना रियलाइज हुआ, असेट बेच के कितने पैसे मिले, दैट इज गिवन। तो पहला बोला है आपको प्लांट एंड मशीनरी कितना मिला, तो प्लांट एंड मशीनरी के 1,02,000 मिले, फिक्चर्स में से 18,000 मिला, स्टॉक 84,000, डेटर्स 44,000, ये असेट्स की वैल्यू रियलाइज हुई, बराबर। बैलेंस शीट में देखो तो बैलेंस शीट में असेट्स में क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर्स। तो प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर था, प्लांट मशीनरी यहाँ पे देखो, प्लांट मशीनरी, फिक्चर्स, स्टॉक एंड डेटर्स, बराबर। तो यहाँ पे प्लांट मशीनरी, फिक्चर्स, स्टॉक एंड डेटर्स सारे आ गए, ठीक है। जितने भी असेट्स बैलेंस शीट के अंदर थी सारी की सारी असेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अगर बैलेंस शीट में कोई फिक्टिस असेट्स हो जैसे गुडविल है, तो आपको अगर उसके बारे में कुछ भी ना बोला हो तो आपको अज्यूम करने का कि उसमें कोई रियलाइजेशन हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,500। जो क्रेडिटर्स से बैलेंस शीट में, वो क्रेडिटर्स को हमने 5% डिस्काउंट पे पेमेंट किया, और रियलाइजेशन एक्सपेंस जो ऊपर आपको बैलेंस शीट में ऑब्वियसली नहीं दिया होगा, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है 1,500। देर वॉज अ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सॉरी अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 6,000 विच वॉज टेकन ओवर बाई क्यू। कोई एक असेट थी जो बैलेंस शीट में नहीं थी, जिसकी वैल्यू 6,000 थी, और जो पार्टनर क्यू ने टेक ओवर कर दिया। किसने टेक ओवर किया था, पार्टनर क्यू ने, कितने पे टेक ओवर किया था, 1,480। असेट्स की वैल्यू कितनी थी, 6,000, और 6,000 के असेट को पार्टनर ने टेक ओवर कितने पे किया था, 4,800। पार्टनर कौन था, क्यू। 6,000 की अनरिकॉर्डेड असेट पार्टनर क्यू ले गया, कितने पे ले गया, 4,800। इसके बाद बोला अ बिल ऑफ 4,200 ड्यू फॉर सेल्स टैक्स वॉज रिसीव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वॉज ऑल्सो पेड, मीनिंग 4,200 का एक बिल्स ऑफ एक्शन, सॉरी 4,200 का कोई सेल्स टैक्स का पेमेंट बाकी था, जो अभी आपको पे करने का रियलाइज हो रहा है, बराबर, मीनिंग आपको पे करना है, एंड लास्ट में लिखा है कि दैट अमाउंट वॉज ऑल्सो पेड, और उसका पेमेंट कर दिया। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी सेल्स टैक्स की, जिसका पेमेंट बाकी था,
तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो लायबिलिटी अराइज हुई और वो लायबिलिटी हमने पे कर दी, ठीक है। और क्वेश्चन आपको पूछा है कि इतने अकाउंट्स बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। ये तीन अकाउंट हमें बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। ये तीन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। सो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, बैलेंस शीट इज गिवन, बैलेंस शीट में असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, असेट्स की रियलाइज वैल्यू आपको दे दी है, लाइबिलिटीज का पेमेंट कितना हुआ, अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर गिवन, ठीक है। एंड आपको नॉर्मल जैसे अकाउंट्स बनाते वैसे तीन अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो पहले अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन वापस स्टार्ट। ओके, नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर वन ये आता है कि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी अमाउंट्स है, बैलेंस शीट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, डिटेल्स है, उसको क्लोज करके उसको रियलाइजेशन अकाउंट या इस पर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर उसको पहले ट्रांसफर करो। तो फर्स्ट आपके पास लाइबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल अकाउंट में टोटल बैलेंस है 1,92,000 और उसमें इंडिविजुअली पार्टनर्स का बैलेंस है 1,20,000, 48,000, 24,000, 120, 48, 24। ओके, ये जो अकाउंट्स आपको बोले थे क्वेश्चन के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अब एक बार अकाउंट्स ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन आगे स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट बैलेंस ड्रॉ डाउन बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन अमाउंट 120, 48 एंड 24। 1,20,000 पी की कैपिटल, 48,000 क्यू की कैपिटल और 24,000 आर की कैपिटल। ओके, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया, उसके बाद लायबिलिटी साइड में देखिए आगे, तो लायबिलिटी साइड में आगे रिजर्व फंड है 60,000 का। तो रिजर्व फंड जो होता है, अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाता है तो रिजर्व जितना भी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए पार्टनर्स का, तो इट वाज 2:1। तो ये 60,000 का जो रिजर्व फंड था ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 2:1। 60,000 का जो रिजर्व था उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 60,000 डिवाइड बाय 5, तो 24,000 एंड 12,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 24,000 एंड 12,000 ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद लायबिलिटीज़ में आगे देखें, तो लायबिलिटीज़ में नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स 48,000। तो लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 48,000, तो क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट से रहेगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट एंड अमाउंट इज़ ₹48,000। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 48,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट असेट साइड, प्लांट्स एंड मशीनरी, फिक्चर्स, स्टॉक एंड डेटर्स, प्लांट्स मशीनरी, फिक्चर्स, स्टॉक एंड डेटर्स और लास्ट में है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो पहले जितने भी ये चार असेट्स है, प्लांट मशीनरी, फिक्चर्स, स्टॉक एंड डेटर्स, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंड्री असेट्स अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन टू असेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू सेंड्री असेट्स, उसमें फर्स्ट था प्लांट्स एंड मशीनरी, अमाउंट वॉज फर्स्ट प्लांट्स एंड मशीनरी 1,08,000, फिक्चर्स 24,000, प्लांट्स एंड मशीनरी 1,08,000। पहले अमाउंट को इनर कॉलम में शो कर लेते हैं, 1,08,000, फिक्चर्स 24,000, फिक्चर्स 24,000। Then there was stock 60,000 and debtors 48,000. Stock 60,000 and fourth one debtors 48,000. ठीक है, ये
जितने भी बैलेंस शीट में असेट थी उसको रियल एस्टेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, टोटल कर दे तो 1,08,000, 1,08,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000, टोटल 2,40,000 असेट्स ट्रांसफर, 2,40,000 की टोटल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद एक असेट्स में लास्ट एक बैलेंस बचा था कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस आपको दिया था 60,000 का, तो कैश अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया तो कैश अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे 60,000 रुपीज़ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, सो ऑल दी आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इसके बाद एडजस्टमेंट में आपको ये बोला था कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस एंड द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स रियलाइज, अमाउंट रियलाइज मीनिंग असेट्स बेच के कितने पैसे मिले वो आपको यहाँ पे मैंशन करके दिया है। तो फर्स्ट आपको बोला है प्लांट एंड मशीनरी का मिला 1,02,000, फिक्चर्स का 18,000, स्टॉक का 84,000 और डेटर्स में से 44,400, इतनी अमाउंट रियलाइज हुई। अब असेट्स का रियलाइजेशन जब होगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, असेट्स का जब रियलाइजेशन होगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, एंट्री क्या होगी कैश टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय कैश अकाउंट, और असेट्स का नाम आएगा प्लांट एंड मशीनरी, एंट्री इज कैश टू रियलाइजेशन, कैश मिला है, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट बाद में लिख लेते, पहले नाम लिख देते, फिक्चर्स, स्टॉक और डेटर्स, जितने भी असेट्स साइड, जितने भी आप चार असेट्स देख रहे हो वो चारों असेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है। तो यहाँ पे 1,02,000 फर्स्ट वैल्यू इज 1,02,000, 18,000, 84,000, 1,02,000, 18,000, 1,02,000, 18,000, 84,000, 84,000 एंड लास्ट वन डेटर्स वॉज 44,400, डेटर्स रियलाइज 44,400। ओके, सो असेट्स रियलाइज वैल्यू इज गिवन कैश अकाउंट टू एंट्री विल बी कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सो टोटल करें 1,02,000 प्लस 18,000 प्लस 84,000 प्लस 44,400, इट कम्स टू 248,400, 248,400, दिस इज कैश रियलाइज। ओके, कैश जो रियलाइज हुआ तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट इज 248,400, असेट्स रियलाइज कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 248,400। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट असेट्स का रियलाइजेशन हो गया, फिर इसके बाद बोला था कि क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,500, क्रेडिटर्स को हमने 5% डिस्काउंट पे पेमेंट किया और बाकी जो क्रेडिटर्स का पेमेंट होने के बाद बाकी रियलाइजेशन एक्सपेंस था उसकी अमाउंट आपको दे दिया 1,500 हुआ था। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 5% डिस्काउंट पे। अब आप देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 48,000, तो क्रेडिटर्स का जब पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर्स के पेमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, और यहाँ पे पहला कौन आएगा तो पहला नाम होगा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हमने 5% डिस्काउंट पे पे किया था, तो 48,000 माइनस 5% करे तो इट कम्स टू 45,600 क्रेडिटर्स, एंड सेकेंड वन इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ था कितना तो वो हुआ था 1,500 का रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ था, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के अमाउंट आपको दे दिए 1,500 वो हुआ था। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस और ये दोनों की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, तो एंट्री दोनों की सेम ही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और जो भी आप लाइब्रेरी पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। टोटल करें तो 45,600 प्लस 1,500 टोटल 47,100 रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा, लाइब्रेरी का पेमेंट और एक्स्ट्रा रियलाइजेशन एक्सपेंस, और ये 47,100 की सेकेंड इफेक्ट आएगी कैश और बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इट इज 47,100 रियलाइजेशन अकाउंट में
ये इफेक्ट होगी. ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट आता है, देर वॉज अ अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 6000 विच वॉज टेकन ओवर बाई क्यू एट रुपीज 4800. कोई एक असेट थी 6000 की जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं थी. वो 6000 की असेट को क्यू एक पार्टनर था जिसने 4800 पे उसको टेक ओवर किया था. ओके, इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन भी है सेल्स टैक्स का, बट उसके पहले ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं. ये ट्रांजेक्शन में आपको क्या बोला है कि कोई पार्टनर ने असेट्स को टेक ओवर किया है और कौन सी वैल्यू पे टेक ओवर किया है, तो 4800 पे कोई असेट्स को टेक ओवर किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी. तो असेट्स को कोई अगर पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. पार्टनर बेनिफिट ले रहा है बिजनेस में से, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और आपको असेट्स के पैसे, असेट रियलाइज बैलेंस शीट में नहीं था, रिकॉर्डेड असेट नहीं था, बट स्टिल असेट की वैल्यू रियलाइज तो हुई थी, यानी फ़ायदा तो हुआ था आपको, बट असेट बैलेंस शीट में नहीं था. अब बैलेंस शीट में नहीं था तो आपने असेट अकाउंट को क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पे जब आपने सारी असेट्स को यहाँ पे डेबिट किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, वहाँ पे वो अनरिकॉर्डेड असेट्स को डेबिट नहीं किया होगा, बट उसके पैसे तो रियलाइज हुए, मीनिंग आपको फ़ायदा तो हुआ. तो रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ऑल्सो एन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जो प्रॉफिट हुआ आपको अनरिकॉर्डेड असेट्स का, जो गेन हुआ उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और वो गेन किसने ले लिया, तो पार्टनर ने ले लिया, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. सो उसकी एंट्री पास होगी क्यू अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4800 जो वैल्यू पे उसने टेक ओवर किया था, बराबर, जो एग्रीड वैल्यू पे उसने टेक ओवर किया था वो वैल्यू पे यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे. सो एंट्री विल बी लाइक दिस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4800. 6000 की असेट थी बट उसको 4800 पे रियलाइज किया था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन. और इसकी दूसरी इफेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा बाय क्यू अकाउंट, अमाउंट इज 4800. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया. इसके बाद वो सेल्स टैक्स वाला एक लास्ट पॉइंट था. आगे बोला था, बिल फॉर रुपीज 4200 ड्यू फॉर सेल्स टैक्स रिसीव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वॉज ऑल्सो पेड. कोई 4200 का सेल्स टैक्स का बिल पे करना बाकी था, और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ये जो बिजनेस डिसोल्यूशन हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हुआ, तो वो लायबिलिटी अचानक अराइज हुई और वो हमने पे कर दी. तो सेल्स टैक्स की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमने पे कर दी. अब वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब आप पे करोगे तो ऑब्वियसली, जैसे अनरिकॉर्डेड असेट का जब रियलाइजेशन हुआ तो वो आपके लिए गेन था, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया. तो वैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आप पेमेंट करते हो तो वो आपके लिए लॉस है, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. सो वो जो 4200 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमने जो पे किया सेल्स टैक्स का, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, और हमने कैश में पे किया होगा, कोई पार्टनर ने पे नहीं किया तो उसको पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बट कैश में पे किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा. सो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में यहाँ पे टू कैश और बैंक अमाउंट कितनी, तो अमाउंट होगी 4200, और इसमें यहाँ पे लिखेंगे सेल्स टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे सेल्स टैक्स लायबिलिटी 4200. और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, तो सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट कितना, सो अमाउंट वॉज 4200, वो हमने पे किया था. ठीक है, सो इन दिस वे दिस रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर डन. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज नहीं, इनफैक्ट रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री सारी हो गई. इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन आप देख लो क्वेश्चन के अंदर, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, बराबर, ये लास्ट ट्रांजेक्शन था सेल्स टैक्स वाला, इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. तो अब पहला काम, सबसे पहला काम स्टेप वाइज देखें तो पहले बैलेंस शीट को क्लोज करके अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होता है, इसके बाद असेट्स को रियलाइज करना होता है, लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता है, इसके बाद अगर कोई पार्टनर की लोन अकाउंट का बैलेंस हो तो उसको पे करना होता है, तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में तो नहीं है. उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का लोन का कोई बैलेंस नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो. तो अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो क्रेडिट साइड टोटल इज 48000 प्लस 248400 प्लस 4800, टोटल कम्स टू 301200, और उसमें से डेबिट साइड माइनस करें तो डेबिट साइड इज 240000 माइनस 47100 माइनस 4200 कम्स टू 9900. दिस 9900 इज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन,
एंड इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:1, तो इसको 2:1 में डिवाइड कर दें, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो प्रॉफिट आया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और पार्टनर्स का नाम था PQR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, सो 3960, सेकेंड 3960 एंड इट्स 1980, 3960, 3960, 1980, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो गेन हुआ रियलाइजेशन का, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3960, 3960 एंड 1980, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड लास्ट में, इसके बाद लास्ट में नहीं, सेकेंड लास्ट पॉइंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक एक करके क्लोज कर दे। सबसे पहले पी का अकाउंट क्लोज कर दे, तो पी के अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 3960 माइनस कुछ नहीं है डेबिट साइड, सो डिफरेंस आया 147। डिफरेंस है 147960, पी का डिफरेंस आ रहा है 147960। फिर सिमिलरली क्यू का बैलेंस 48,000 प्लस 24,000 प्लस 3960 माइनस 4800 कम्स टू 71160, 71160 एंड लास्ट वन, आर का अकाउंट क्लोज करें, तो आर के अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल करें तो 37980 आएगा, तो 37980 आर का बैलेंस है। फिर आर का बैलेंस क्लोज करने के बाद, आर का बैलेंस क्लोज करने के बाद अब पार्टनर्स को फाइनली ये पेमेंट कर देंगे, तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे पी क्यू एंड आर, और पी क्यू आर का बैलेंस था 147960, फर्स्ट का बैलेंस था, वन फोर सेवन नाइन सिक्स जीरो, सेकेंड वॉज 71160, सेवन वन वन सिक्स जीरो एंड द थर्ड वॉज 37980। थ्री सेवन नाइन एट जीरो एंड टोटल करें तो 147960 प्लस 71160 प्लस 37980 टोटल कम्स टू 257100, 257100, ओके। एंड टोटल डेबिट साइड का 60,000 प्लस 248400, इट इज 308400, डेबिट साइड टोटल 308400 एंड क्रेडिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल 47100 प्लस 4200 प्लस 257100, इट इज 308400। सो फाइनली ये कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट आपका इक्वली टैली हो जाएगा, ठीक है। सो कैश अकाउंट फाइनली जब टैली हो जाए डेबिट क्रेडिट, इसका मीनिंग आपका कैलकुलेशन करेक्ट जा रहा है। सो फर्स्ट हमने क्या किया, बैलेंस शीट में से बैलेंस शीट को क्लोज करके उसको रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, असेट्स का रियलाइजेशन किया, लायबिलिटीज का पेमेंट किया, उसके बाद अगर लोन अकाउंट पार्टनर्स का कोई लोन अकाउंट होता तो उसको क्लोज करके, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके जो प्रॉफिट लॉस है पार्टनर्स कैपिटल में ले गए, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके उसको पेमेंट किया और उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया, और लास्ट में कैश अकाउंट का टोटल डेबिट क्रेडिट आपका मैच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू वी आर स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर टू पढ़ लेते हैं पहले, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज रीड राइट एड गिव यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2011। तीन पार्टनर्स है, रीड राइट एंड एड थ्री पार्टनर्स आ गए और इनकी आपको बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2011 की बैलेंस शीट डेट है।
बैलेंस शीट में दिया आपको लायबिलिटीज़ में, फर्स्ट पार्टनर रीड रीड जो है उसकी लोन अकाउंट का बैलेंस है 15,000 और बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है टोटल 42,000। क्रेडिटर्स आर देयर, लोन अगेंस्ट स्टॉक इज 6,200 एंड जेएलपी रिजर्व 12,400। ऑन द एसेट साइड देयर इज प्लांट्स एंड मशीनरी 30,000, फिक्चर्स 2,000, स्टॉक 10,400, डेटर्स लेस प्रोविजन 18,000, जेएलपी 15,000, पेटेंट 10,000 एंड कैश एंड बैंक 1,000, कैश एंड बैंक अकाउंट 8,000। एडजस्टमेंट्स, द पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:9, 2:9 एंड 1:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन 4:9, 2:9 एंड यहाँ पे लिखा है 1:3। ओके, 1:3 है नीचे, तो इसको डिवाइड बाय 9 करना हो तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी 3:9। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, 4:2, 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वलाइज कर दिया बेस सबका, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 4:3, 4:2:3। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2011 एंड दे गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वन, एडजस्टमेंट, एड टेकन द लोन फ्रॉम इंश्योरर फॉर ₹5,000 ऑन सिक्योरिटी ऑफ द जेएलपी एंड द जेएलपी वॉज सरेंडर एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड अ अमाउंट ऑफ 10,200 आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ 5,000 फॉर एड्स लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट थेरॉन। मीनिंग क्या हुआ समझो, बैलेंस शीट ऑफ देखो तो बैलेंस शीट में असेट साइड देर इज अ जेएलपी अकाउंट बैलेंस ऑफ ₹15,000। क्या हुआ है सिचुएशन समझाता हूँ, जेएलपी का बैलेंस है 15,000। अब बैलेंस शीट में जेएलपी असेट साइड है, इसका मीनिंग ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ आप समझो, तो ये इन्वेस्टमेंट है आपका एक टाइप का, जेएलपी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने पैसा पार्टनरशिप फर्म ने इन्वेस्ट किया है, तो 15,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसके सामने कोई पार्टनर जो है, ये पार्टनर जो ऐड है, दैट इज वन ऑफ द पार्टनर ऐड थर्ड पार्टनर है, उसने इंश्योरेंस कंपनी से लोन ली है, इंश्योरेंस कंपनी से लोन ली है बिजनेस की जेएलपी के सामने, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के सामने पार्टनर ने लोन लिया, पर्सनल लोन हुई, ठीक है, और वो लोन की जो अमाउंट थी, वो लोन की अमाउंट वो रीपे नहीं कर पाया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने डिसोल्यूशन के टाइम क्या किया, डिसोल्यूशन में क्या होगा, तो जेएलपी जो लिया होगा वो जेएलपी को क्लोज करना पड़ेगा, एंड इंश्योरेंस कंपनी जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो जेएलपी के जॉइंट लाइफ पॉलिसी की इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट देती है, और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट और एडमिशन एट दैट टाइम वो लोग आपको पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है वो लोग पे करते हैं, सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन जब होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जेएलपी की सरेंडर वैल्यू पे करेगी, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, तो पार्टनर ने जेएलपी के सामने लोन ली थी, पार्टनर की पर्सनल लोन थी, इंश्योरेंस बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म की लोन नहीं थी, पार्टनर की पर्सनल लोन थी, 5,000 लोन ली थी पार्टनर ने, ठीक है। तो अब जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से जेएलपी की सरेंडर वैल्यू के पैसे मिलेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने ₹5,000 की लोन ली थी पार्टनर ने, तो इंश्योरेंस कंपनी ने ₹5,000 की लोन और उसका इंटरेस्ट ₹300, टोटल ₹5,300 कट करके बाकी के पैसे 10,200 बाकी के पैसे पार्टनरशिप फर्म को पे किया जेएलपी के, ठीक है। मीनिंग असेट में जो जेएलपी में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से इन्वेस्टमेंट में से रियलाइज कितना हुआ, तो इन्वेस्टमेंट में से रियलाइज हुआ था 10,200, बट वो 10,200 एक्चुअल मिला है आफ्टर डिडक्टिंग 5,300 रुपीज़, यानी 10,200 में आप 5,300 ऐड करो तो इट कम्स टू 15,500, यानी एक्चुअली जेएलपी की सरेंडर वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए थी, 15,500 जेएलपी की सरेंडर वैल्यू मिलनी चाहिए थी, बट इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 5,300 रुपीज़ माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, तो कोई पार्टनर है थर्ड पार्टनर ऐड नाम है जिसका, उसने इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 की लोन ली थी, तो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोन के पैसे पार्टनरशिप फॉर्म के पैसों से काट लिए, बराबर, जो पार्टनरशिप फॉर्म को मिलना चाहिए था उसमें से ₹5,000 काट लिया और ₹300 इंटरेस्ट कट किया, इन टोटल इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी से मिलना चाहिए था 15,500, बट इंश्योरेंस कंपनी ने 5,300 कट कर दिया और बाकी की अमाउंट 10,200, ये अमाउंट 10,200 इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को पे की, जो आपको यहाँ पे बोले 10,200 रिसीव हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, वापस एक बार इसको आगे क्वेश्चन करते टाइम समझेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर बी बोला है, वन ऑफ द क्रेडिटर टूक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वॉज 6,000 एट द वैल्यूएशन ऑफ ₹4,500 एंड द बैलेंस ऑफ दैट क्रेडिटर वॉज पेड इन कैश। अब क्या हुआ, क्रेडिटर ने, कोई क्रेडिटर है जिसने, क्रेडिटर ने कैश की जगह इसने पेटेंट ले लिया, कैश की जगह क्या ले गया, पेटेंट ले गया। अब पेटेंट की वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी 6,000 और वो पेटेंट कितने में ले गया, 4,500 पे पेटेंट ले गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आप देखो क्रेडिटर्स का बैलेंस है 17,800, क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है 17,800, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 17,800 में से हमने 4,500 रुपीज़ पेटेंट के फॉर्म में पे किया, हमें पे कितना करना था 17,800, यहाँ पे मैं
वापस एक बार यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, वापस क्वेश्चन में देखेंगे एक बार, क्वेश्चन करते टाइम वापस भी देखेंगे। टोटल पे क्रेडिटर्स को कितना था, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना था, 17,800 का टोटल पेमेंट क्रेडिटर्स को करना था। इसमें से क्रेडिटर्स ने 4,500 रुपीज़ पेटर्न के फॉर्म में ले लिया, पेटर्न के फॉर्म में उन लोगों ने 4,500 रुपीज़ ले लिए, बराबर पेटर्न ले ली जिसकी बुक वैल्यू 6,000 थी, बट 4,500 पे ले गया, पेटर्न को 4,500 पे टेक ओवर किया। मीनिंग आपको तो यही समझने का कि 17,800 में से 4,500 का पेमेंट हो गया, ठीक है। सो बाकी का पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो बाकी का पेमेंट बचता है 13,300 का। ये बाकी का जो पेमेंट है वो आपको बोला कैश में पे किया था, बट इससे रिगार्डिंग एक और एडजस्टमेंट आ गया है, बाद में मैं आपको बोलूँगा कि इस 13,300 जो डिफरेंस आ रहा है इतना एक्चुअली पे करना चाहिए था, बट उसमें क्रेडिटर्स ने कुछ डिस्काउंट भी दिया है जो आगे पॉइंट के अंदर आएगा, ठीक है। सो एट प्रेजेंट देखें तो 13,300 आपको कैश में पे करने का आ रहा है, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर सी, द फर्म हैड प्रीवियसली परचेज सम शेयर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हैड रिटर्न ऑफ दैम ऑन फाइंडिंग ऑफ द फाइंडिंग फाइंडिंग दैम यूजलेस। यानी हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए थे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था और हमें ऐसा लग रहा था कि ये यूजलेस इन्वेस्टमेंट्स है, तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था। बट द शेयर्स नाउ फाउंड टू बी वर्थ ऑफ ₹3,000 एंड द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट द शेयर्स एट दिस वैल्यू। लोन क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट द शेयर्स एट दिस वैल्यू। यानी क्या हुआ, हमारे पास कोई शेयर्स पड़े थे इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में, अब वो इन्वेस्टमेंट्स हमें लग रहा था कि यूजलेस है तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। अब जब बिजनेस डिसोल्यूशन हो रहा है तो वो शेयर्स के 3,000 रुपये मिल जाएंगे ऐसा लग रहा है, और हमने क्या किया, वो 3,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट्स को सेल, शेयर्स को सेल नहीं किया और 3,000 रुपये लिए नहीं, हमने क्या किया, लोन क्रेडिटर को 3,000 के शेयर्स दे दिए। यानी कैश उतना कम देना पड़ेगा और फाइनली लोन क्रेडिटर को 3,000 रुपये आपको कैश कम पे करना पड़ेगा। और बैलेंस शीट में आप देखो लोन क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, तो लोन के क्रेडिटर है 6,200। यानी क्या होगा, ये 6,200 के जो लोन क्रेडिटर्स है इसमें से 3,000 रुपीज़ हमने शेयर्स के फॉर्म में दे दिए और फाइनली कैश में कितना पे करना पड़ेगा, सो बाकी का जो बचेगा 3,200 इतना ही कैश पे करेंगे और ये 3,000 जो है वो शेयर्स के फॉर्म में पे कर देंगे, ठीक है। सो टोटल हमें पे करना था 6,200, इसमें से 3,000 रुपीज़ जाएगा शेयर्स के फॉर्म में और बाकी का 3,200 जाएगा कैश के फॉर्म में, ठीक है। ये पॉइंट नंबर थ्री आपको बोला था। इसके बाद बोला आगे कि रिमेनिंग असेट्स रियलाइजेस फॉलो। बाकी असेट्स का रियलाइजेशन कैसे हुआ, तो प्लांट एंड मशीनरी को 17,000 भी रियलाइज किया, फिक्चर्स 1,000, स्टॉक 9,000, डेटा 16,500 एंड लास्ट में बोला पेटेंट रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। पेटेंट को 50% पेटेंट में से 50% अमाउंट मिली। पॉइंट नंबर ई, द लायबिलिटीज वर पेड ऑफ एट द टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 अलाउड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के पास से 500 का डिस्काउंट मिला। अब ये पॉइंट आगे पॉइंट नंबर बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट नंबर ई जो है, ये पॉइंट नंबर ई जो है ये पॉइंट नंबर बी के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्या था, तो पॉइंट नंबर बी में हमने देखा था कि क्रेडिटर्स को हमने 17,800 पे करना था, बट उसमें हमने 4,500 के उनको पेटन दे दी, तो रिमेनिंग 13,300 हमें कैश में पे करने का आ रहा था। बट अब यहाँ पे आपको बोला है कि क्रेडिटर्स ने हमको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 13,300 माइनस 500 रुपये करो तो फाइनली हमने क्रेडिटर्स को पे कितना किया होगा, तो हमने क्रेडिटर्स को पे किया होगा 12,800। हमने क्रेडिटर्स को पे कितना किया होगा, 12,800, ठीक है। सो ये पॉइंट नंबर ई पॉइंट नंबर बी से कनेक्टेड है, इसको याद रखना है ऐसे। उसके बाद द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2,300, एक्सपेंसिस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2,300, नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको दिया है। एंड फाइनली आपको अकाउंट्स पूछे, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक कैश बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आपको अकाउंट्स पूछे। सो अकाउंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करें। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते क्वेश्चन में, सबसे पहला काम बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ है उसको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो सबसे पहले असेट साइड से चालू करूँ, तो असेट साइड में सबसे पहले प्लांट्स एंड मशीनरी, फिक्चर्स, स्टॉक, डेटर्स, बराबर पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट्स। तो पहला ट्रांसफर एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट्स एंड द वैल्यूज आर प्लांट्स एंड मशीनरी 30,000, प्लांट्स एंड मशीनरी 30,000, सेकेंड फिक्चर्स 2,000, फिक्चर्स वैल्यू 2,000,
fixtures 2000, then stock 10400. Stock 10400. Next, debtors 18400. Debtors. Next, जेएलपी के लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे. उसके बाद पेटन जेएलपी वाला जो पॉइंट है, ये जेएलपी वाला पॉइंट, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, या विदाउट अकाउंट भी हम कर सकते हैं, बाद में समझाता हूँ. डेटर्स मैंने ये 18400 लिखा था, और प्रोविजन की जो वैल्यू है उसको मैं लाइबिलिटी में कंसिडर करूँगा. सो 18400 लिखा था, जेएलपी पेंडिंग, पेटन की वैल्यू है 10000 और कैश एंड बैंक है 8000. तो पेटन 10000 यहाँ पे, पेटन की वैल्यू 10000 और लास्ट में कैश एंड बैंक का 8000. ठीक है, सो कैश एंड बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया है. कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 कैश एंड बैंक बैलेंस. ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ अपने को लिखने की बाकी है, दैट इज़ व्हाट जेएलपी बैलेंस. बराबर, जेएलपी बैलेंस अभी लिखना बाकी है, बाकी सारी चीज़ें असेट साइड कवर हो गया. ओके, जेएलपी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, विदाउट जेएलपी अकाउंट भी कर सकते हैं. मैंने शॉर्टकट आपको फाउंडेशन के अंदर सिखाया था, वही शॉर्टकट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. वापस एक बार मैं शॉर्टकट रिवाइज करवा दूंगा. इसके बाद लायबिलिटीज़ को कवर करें, तो सबसे पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट इज 15000. तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके लिए हम अलग से एक अकाउंट बना देंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो एक और अकाउंट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स्ट्रा, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन अलग से इसको शो करेंगे. ओके, अलग से इसलिए शो करते हैं क्योंकि पार्टनर्स को जब आप पेमेंट करते हैं तो पार्टनर्स का जो पेमेंट होता है वो सीक्वेंस में पेमेंट होता है, मीनिंग लायबिलिटीज के फॉर्म में उसका पेमेंट, पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट होता है, उसके बाद फिर पार्टनर्स का पेमेंट करना होता है. सो पार्टनर्स का जो पेमेंट होता है वो आपको सीक्वेंस में करना है. सो पार्टनर्स को अलग से शो करेंगे. 15000 पार्टनर्स लोन अकाउंट, अमाउंट इज 15000. ओके, इसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर हो गया. इसके बाद बाकी लायबिलिटीज को कवर करें, कैपिटल अकाउंट्स आर 30000, 10000, 2000. कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन, बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन 30000, 10000 एंड 2000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस. इसके बाद क्रेडिटर्स आर 17800, पार्टनर्स अरे क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 17800, क्रेडिटर्स अमाउंट इज 17800. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दैट, लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ दिस स्टॉक, लोन अगेंस्ट स्टॉक 6200, ये भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो यहाँ पे लोन 6200, लोन अगेंस्ट स्टॉक. आफ्टर दैट जेएलपी बैलेंस इज 12400, ये एक पॉइंट पेंडिंग, 12400 जेएलपी रिजर्व का बैलेंस पेंडिंग. मैंने असेट साइड से जेएलपी का पोस्टिंग बाकी रखा था और लायबिलिटी साइड से जेएलपी रिजर्व का पोस्टिंग बाकी रखा था. ठीक है, ये दोनों अकाउंट को आप डायरेक्टली विदाउट अकाउंट भी, अगर आपको शॉर्टकट समझ में आता है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि अगर इसका आपको अकाउंट बना के अगर कर देना है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो भी ईजी है. चलो मैं आपको अकाउंट बना के भी समझा देता हूँ और शॉर्टकट भी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में कि कैसे इसका आंसर हमें फाइंड करना है. तो चलो मैं एट प्रेजेंट खाली एक अकाउंट बना देता हूँ, जेएलपी अकाउंट.
सो दैट वो दोनों पॉइंट जो पेंडिंग थे वो पेंडिंग ना रहे और ट्रांसफर हो जाए अकाउंट में. सो जेएलपी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जेएलपी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा. तो जेएलपी अकाउंट का बैलेंस कितना था, तो जेएलपी का बैलेंस था 15,000. तो जेएलपी अकाउंट यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 15,000. ओके, और बैलेंस शीट में जेएलपी रिजर्व कितना था, तो जेएलपी रिजर्व था 12,400. अब ये 12,400 जो जेएलपी रिजर्व होता है वो लास्ट में क्लोज करके जेएलपी अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देना होता है. जेएलपी रिजर्व जो है उसको भी क्लोज करके क्या करेंगे, जेएलपी अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे. तो जेएलपी रिजर्व को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री होगी जेएलपी रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, तो जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी एंट्री क्लोज करने की क्या होगी, जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी. तो जेएलपी अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, जेएलपी अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पर लिखेंगे बाय जेएलपी रिजर्व अकाउंट. यहाँ पे नाम क्या रखेंगे इसका, बाय जेएलपी रिजर्व अकाउंट. एंड दिस अमाउंट इज़ व्हाट, जेएलपी रिजर्व की अमाउंट है 12,400. तो यहाँ पे अमाउंट इसको शो करेंगे, इट इज़ 12,400 जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी. ओके, जेएलपी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ 15,000 वो ट्रांसफर कर दिया, जेएलपी रिजर्व को क्लोज करके जेएलपी में ट्रांसफर कर दिया. ओके, एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने एक्स्ट्रा बना दिया. सो all the items of balance sheet are transferred to either of the accounts. सारी बैलेंस शीट में जितना भी था सब कुछ ट्रांसफर हो गया. और लाइबिलिटीज़ में एक पॉइंट पेंडिंग रहा था, प्रोविजन का जो बैलेंस था 400 उसको हमने ट्रांसफ़र करना बाकी होगा. सो उसको रिजर्व में रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रोविजन, या यू कैन से बाय BDR अकाउंट. BDR था 400 का, तो वो एक क्लोज ट्रांसफर करना बाकी था उसको ट्रांसफर कर दे 400 का BDR. ठीक है, एक बार देख ले बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या ट्रांसफर हो गया. तो देखो प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर, फिक्स्चर ट्रांसफर, स्टॉक, डेटर्स प्रोविजन, जेएलपी, ट्रेडमार्क, कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर, पार्टनर्स लोन, कैपिटल अकाउंट्स ट्रांसफर, क्रेडिटर्स लोन एंड जेएलपी रिजर्व ट्रांसफर. सो ऑल द अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू आइदर ऑफ द अकाउंट्स. नाउ एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. एडजस्टमेंट में आपको ये बोला कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इक्वल नहीं दिया था, मीनिंग बेस इक्वल नहीं था, तो पहले इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस इक्वल करके फाइंड करें. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 4:9, 2:9 और 1:3 था, तो उसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या मिलेगा, इट इज़ 4:2:3. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मिला, 4:2:3. ठीक है, ये नया आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. इसके बाद एडजस्टमेंट्स आपको बोला है कि पार्टनर ने लोन ली है, पार्टनर का नाम है एड, ये पार्टनर है एड, नाम है क्वेश्चन में, और एड इज थर्ड पार्टनर. ओके, एड थर्ड पार्टनर ने लोन ली है, पार्टनरशिप फर्म में से नहीं, पार्टनर ने लोन ली है इंश्योरेंस कंपनी से. अब इंश्योरेंस कंपनी से इसने लोन ली है और ये जो लोन ली है वो जेएलपी के अगेंस्ट में ली है. इसने जो लोन ली है वो लोन किसके सामने ली है, जेएलपी के अगेंस्ट में लोन ली है. जेएलपी अपनी बिजनेस की एसेट है तो उसके अगेंस्ट में जेएलपी को सिक्योरिटी के फॉर्म में रख के उसने पार्टनर ने पर्सनल लोन ली है. तो जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगा तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से जेएलपी की सरेंडर वैल्यू पे होगी. आपको याद होगा जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से क्या मिलता है, पॉलिसी वैल्यू, और जब पार्टनरशिप फॉर्म रिटायर हो जाए, डिसॉल्व हो जाए तो क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू. तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास से आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एड हैड टेकन अ लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जेएलपी, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ जेएलपी, एंड पॉलिसी वॉज सरेंडर कर दिया हमने पॉलिसी, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना था. एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 10,200 आफ्टर डिडक्टिंग, द वर्ड्स यूज आर आफ्टर डिडक्टिंग, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने 10,200 पे किया आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 ऑफ लोन एंड 300 एज इंटरेस्ट थेरॉन. यानी इंश्योरेंस कंपनी ने 5,300 रुपीज माइनस करने के बाद 10,200 आपको पे किया. अब इसकी एंट्री अगर आपको समझनी है तो एंट्री थ्रू अगर रिकॉर्डिंग करना है तो देखो एंट्री कुछ ऐसी होगी कि इंश्योरेंस कंपनी के पास से जेएलपी की एंट्री, ये जो ट्रांजेक्शन था उसकी एंट्री क्या होगी. तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से फाइनली मिला कितना, 10,200 मिला था, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से जो पैसे मिले तो उसको एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,200, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना 10,200 इंश्योरेंस कंपनी से मिला तो उसको डेबिट करेंगे. ठीक है, इसके बाद पार्टनर जो ऐड था उसकी वजह से हमको 5,300 रुपीज़ कम मिले थे, 5,000 रुपये उसकी लोन के कटे और 300 रुपये उसके इंटरेस्ट के कटे. यानी ऐड की वजह से, पार्टनर की वजह से 300 रुपये हमको कम मिले थे तो उसका कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा. सो ऐड का अकाउंट डेबिट करेंगे 5,300 से और जेएलपी को सरेंडर कर देंगे.
तो जेएलपी अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो जेएलपी का डेबिट बैलेंस था तो उसको क्लोज करके क्रेडिट कर देंगे, तो फाइनली क्रेडिट साइड बैलेंस कितना आएगा, 15,500 का क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। सो जेएलपी जब सरेंडर होगा तो एंट्री विल बी बैंक डेबिट 10,200, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,300 टू जेएलपी अकाउंट 15,500, ये एंट्री पास होगी जब जेएलपी सरेंडर करेंगे, बराबर। अब इसका पोस्टिंग करो ये एंट्री का, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो यहाँ पे हमने बैंक कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया था, तो कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू जेएलपी अकाउंट कितना मिला था, 10,200 इंश्योरेंस कंपनी से मिला था, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 10,200। फिर पार्टनर का ऐड का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ऐड जो पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू जेएलपी अकाउंट, ऐड के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 5,300, उसको डेबिट करेंगे। एंड फाइनली जेएलपी अकाउंट जो हमने बनाया था, ये जेएलपी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 15,500 से, सो यहाँ पे क्रेडिट से रहेगा बाय बैंक अकाउंट 10,200 एंड बाय एड अकाउंट, एड इज अ पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,300। ओके एंड फाइनली लास्ट में अब ये जेएलपी का ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, तो जेएलपी अकाउंट को क्लोज कर दे, तो क्रेडिट साइड टोटल 12,400 प्लस 10,200 प्लस 5,300 माइनस 15,000 कम्स टू 12,900 ये 12,900 जो बैलेंस बचा, ये 12,900 ये फाइनली जेएलपी का बैलेंस है जो पार्टनर्स को मिलेगा, जेएलपी का बैलेंस है जो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। सो फाइनली लास्ट में जेएलपी अकाउंट को क्लोज करके जो भी बैलेंस बचे वो बैलेंस को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तीन पार्टनर है, नाम है RWA, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट RWA। ओके इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर ना करें और इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाए तो भी चलेगा, ये असेट्स है एंड असेट्स का रियलाइजेशन हुआ, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ तो भी रियलाइजेशन अकाउंट से जाने वाला तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही है, तो आइदर ऑफ द वे आप एंट्री कर सकते हैं, या तो जेएलपी अकाउंट को बंद करके सीधा पार्टनर में ट्रांसफर कर दो, या जेएलपी अकाउंट को बंद करके रियलाइजेशन में ले जाओ और रियलाइजेशन अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज होकर जाने वाला तो पार्टनरशिप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही है। मैं इसको सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:2:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:2:3, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नीचे लिख देते 4:2:3, 12,900 डिवाइडेड बाय 9 × 4, 12,900 डिवाइडेड बाय 9 × 4, 5,733 आर को मिलेगा, 5,733, 2,867 और 4,300 ए का बैलेंस 4,300, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय जेएलपी अकाउंट 5,733 फर्स्ट अमाउंट, 5,733, 2,867 सेकेंड वन, 2,867 एंड थर्ड वन इट इज 4,300। ओके सो जेएलपी अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट कर गया। ओके सो एडजस्टमेंट पूरा, एडजस्टमेंट नंबर वन जो था ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट इज वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वॉज 6,000 एट द वैल्यूएशन ऑफ 4,500 एंड बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वॉज पेड इन कैश। अब यहाँ पे आप क्रेडिटर्स का बैलेंस आप देखो तो क्रेडिटर्स का बैलेंस है 17,800। अब आपको यहाँ पे क्या बोले कि क्रेडिटर को हमने कोई पेटेंट की 6,000 रुपीज़ के पेटेंट थी जिसकी बुक वैल्यू 6,000 थी और वो क्रेडिटर को हमने वो पेटेंट 4,500 पे दे दिया और बाकी का क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो हमने कैश में पे किया, ठीक है। वापस एक बार क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है 17,800, क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है 17,800। तो अब आपको एडजस्टमेंट ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन आपको दिखाऊँ वापस एक बार कि क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे हुआ था। सेकेंड वर्किंग नोट के फॉर्म में आप शो कर सकते हैं कि क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना था, 17,800 का क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने करना था। ये क्रेडिटर्स का पेमेंट जो हमें करना था उसके सामने हमने उनको पेटेंट दे दिया,
और पेटेंट 6,000 का पेटेंट था, और 6,000 का पेटेंट हमने कितने में दिया, 4,500 की बुक वैल्यू पे उन लोगों ने इसको टेक ओवर किया। तो 17,800 माइनस 4,500 करो तो कम्स टू 13,300। इतने पैसे 13,300 कैश में पे करने का आ रहा था। बट इसके साथ साथ आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे तब तो आपको बताया था कि पॉइंट नंबर ई जो है, जो पॉइंट नंबर ई था वो पॉइंट नंबर बी से कनेक्टेड था। मीनिंग पॉइंट नंबर ई में ऐसा बोला था कि क्रेडिटर्स ने हमें 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी क्रेडिटर्स को 500 रुपये और आपको कम पे करना है। तो क्रेडिटर्स को 500 रुपये और कम पे करोगे तो 13,300 पे करना था, और 500 रुपये माइनस कर दो तो 13,300 माइनस 500 करो तो कम्स टू 12,800। ये फाइनली हमने क्रेडिटर्स को कैश में पे किया होगा, बराबर। सो दिस इज़ योर फाइनल टोटल पेमेंट इन कैश। अब ये क्रेडिटर्स का जो पेमेंट हुआ है वो क्रेडिटर्स की पेमेंट की एंट्री क्या होगी। तो क्रेडिटर्स को हमने फाइनली 12,800 पे किया कैश में, और पेटन पे किया 4,500। सो इसकी एंट्री पास ऐसी होगी कि क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट 12,800, और 4,500 का पेटन कम हो जाएगा। 4,500 का पेटन जो कम हो जाएगा उसकी कोई अलग से एंट्री पास नहीं करनी है आपको। मीनिंग देयर बाय जब आप यहाँ पे एंट्री पोस्ट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, असेट्स का जो रियलाइजेशन वैल्यू होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे असेट्स है पेटन के फॉर्म में, बराबर, पेटन के नाम की असेट्स है 10,000। अब ये 10,000 में से हमने यहाँ से 6,000 की जो पेटन है, ये 10,000 की पेटेंट है, उसमें से 6,000 की पेटेंट हमने क्रेडिटर को दे दी, और बाकी की 4,000 की पेटेंट अभी भी हमारे पास है जो हम सेल करेंगे। तो अब ये 6,000 की जो पेटेंट हमने क्रेडिटर्स को दे दी, उसमें आपको पैसा कैश रियलाइज नहीं हुआ था, क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया, यानी क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, सामने कैश नहीं मिलेगी, बट सामने क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, यानी सेट ऑफ हो जाएगा, बराबर। सो हम क्या करेंगे, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, असेट्स की वैल्यू जब रियलाइज होती है तो असेट्स की वैल्यू यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय कैश करके लिखते हैं। बट यहाँ पे ये 6,000 रुपये हमको कैश में रियलाइज़ नहीं हुआ, क्रेडिटर्स का लाइबिलिटी कम हो गया। तो ये 6,000 रुपये में 6,000 रुपये की पेटन जो क्रेडिटर्स 4,500 पे ले गए, ये 4,500 पे जो वो लोग टेक ओवर कर गए, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे असेट्स रियलाइजेशन की करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। बाकी की जो 4,000 की पेटेंट है उसको जब रियलाइज़ करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे, बट 6,000 की पेटेंट जो क्रेडिटर्स को दे दी उसकी रियलाइजेशन वाली एंट्री पास नहीं होगी। तो एंट्री खाली क्या होगी, तो क्रेडिटर्स को हमने फाइनली कितना पे किया, वापस एक बार एडजस्टमेंट देखो, तो फाइनली हमने क्रेडिटर्स को पे किया 12,800। तो फाइनली क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुआ था उसी की एंट्री यहाँ पे क्रेडिटर्स में रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड इसको शो करेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे समझने के लिए इसको नाम क्या देंगे, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना था, 12,800 का इसका पेमेंट था, ठीक है। और इसकी दूसरी इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगी, कैश अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12,800, बराबर। ये अमाउंट से इसको कैश अकाउंट में भी शो करना पड़ेगा, और 4,500 रुपीज़ जो हमने क्रेडिटर्स को पेटन के फॉर्म में दिया था उसकी अलग से एंट्री नहीं होगी, वो इनडायरेक्टली कवर हो जाएगा क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कम होने से, ठीक है। सो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी आप देखो, तो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी थी 17,800, उसको क्रेडिटर्स को 17,800 के देने की जगह हमने कितना पे किया, 12,800 पे किया। तो फाइनली हमने 17,800 में से हमने 12,800 पे किया, मीनिंग हमने 5,000 रुपीज़ कम पे किया, हमने 5,000 रुपीज़ कम पे किया। 5,000 रुपीज़ कम कैसे पे किया, तो 5,000 जो कम पे हुआ उसमें 4,500 रुपीज़ का पेटेंट गया और 500 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। तो अब आप समझो कि क्रेडिटर्स को अगर मैं लिखना नहीं है, खाली समझने के लिए, पेटन की वैल्यू यहाँ पे 4,500 क्रेडिट करूँ, 4,500 पेटन की वैल्यू क्रेडिट करूँ, और 500 रुपये यहाँ पे और डिस्काउंट क्रेडिट करूँ, यानी टोटल 5,000 रुपये पेटन के और डिस्काउंट के यहाँ पे क्रेडिट करूँ, और यहाँ पे क्रेडिटर्स को 17,800 शो करूँ, ये लिखना नहीं है आपको। मैं पेटन का 4,500 रिकॉर्ड करूँ, 500 रुपये डिस्काउंट रिकॉर्ड करूँ, यानी क्रेडिट साइड 5,000 रिकॉर्ड करूँ, और क्रेडिटर्स की वैल्यू 17,800 थी वो 17,800 ही रिकॉर्ड करूँ, तो आप समझो क्या होगा। तो 17,800 माइनस 5,000 करो, तो 17,800 माइनस 5,000 आप करो तो आंसर क्या आएगा, 12,800। तो आप 17,800 लिख के क्रेडिट साइड 5,000 लिखो, या 17,800 ना लिखो और 5,000 भी ना लिखो, और नेट करके क्या आंसर लिखो, तो नेट करके खाली सीधा 12,800 लिखो तो भी चलेगा,
तो हमने क्या किया, तो वो दो एंट्री अलग दिखाने की जगह हमने नेट करके 12,800 शो कर दिया, मीनिंग इनडायरेक्टली 4,500 की एंट्री आ गई, आप समझे, और 500 रुपये डिस्काउंट की एंट्री भी इनडायरेक्टली आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक एडजस्टमेंट समझने जैसा था कि इसकी इफेक्ट क्या हुई। हम नॉर्मली क्या करते हैं, एंट्री कर देते बट लॉजिक नहीं समझते कि क्यों किया था। तो आपको समझ में आएगा कि ये 4,500 और 500 की एंट्री इनडायरेक्ट वे होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट के ऊपर जाते वापस, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी में बोला था कि हमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, और शेयर्स में कुछ शेयर्स ऐसे थे जो हमें ऐसा लग रहा था कि वो यूजलेस है, तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था। अब क्या हुआ, तो अचानक वो शेयर्स के पैसे मिलेंगे ऐसा लग रहा है, और वो शेयर्स के 3,000 रुपये मिलेंगे ऐसा हमें लग रहा है, और हमने क्या किया, तो लोन के जो क्रेडिटर्स हैं उनको वो शेयर्स दे दिया, मीनिंग हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में वो शेयर्स दिखाए नहीं है। अब बैलेंस शीट देख लो असेट साइड, तो बैलेंस शीट में वो शेयर्स नहीं है, ऑलरेडी उसको हमने यूजलेस कंसिडर करके राइट ऑफ कर दिया था, बैलेंस शीट में है ही नहीं। यानी क्या हुआ, अनरियलाइज असेट क्रिएट हुई, बट अनरियलाइज असेट के पैसे कैश में नहीं मिले हैं, बराबर। तो जैसे वो क्रेडिटर्स को हमने पेटन दे दी, तो वो पेटन की एंट्री इनडायरेक्ट वे हो गई, तो यहाँ पे भी असेट रियलाइज हुई बट असेट कैश में रियलाइज नहीं हुई, तो इसकी एंट्री डायरेक्ट नहीं कर सकते कैश टू शेयर्स, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कैश मिला ही नहीं है, तो इसकी एंट्री भी इनडायरेक्ट वे करनी पड़ेगी। कैसे, तो लोन के क्रेडिटर्स को हमने वो पेटन, अरे जो शेयर्स की वैल्यू है 3,000 रुपये, वो हमने किसको दिया है, तो हमने वो लोन के क्रेडिटर्स को दिया है। तो अब लोन के क्रेडिटर, अब यहाँ पे देखो तो 6,200 है। अभी लोन के क्रेडिटर को हमने क्या किया, तो 3,000 के शेयर्स दे दिए, तो बाकी का उनको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 6,200 माइनस 3,000 के शेयर्स दे दो, तो बाकी उनको पेमेंट करना पड़ेगा ओनली 3,200। तो अब ये 3,200 का पेमेंट जब हम करेंगे लोन क्रेडिटर्स को, तो लोन क्रेडिटर, आप देखो बैलेंस शीट और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में भी 6,200 है, तो उनका जब पेमेंट आप करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो लोन क्रेडिटर्स का पेमेंट नॉर्मली हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री ऐसी होगी लोन क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे एंट्री 3,000 रुपये आप कम पे करोगे उनको, तो यहाँ पे एंट्री कितनी होगी, 3,200 से बाकी का कैश पे करना पड़ेगा, एंट्री विल बी लोन क्रेडिटर्स टू कैश। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट से दूसरी इफेक्ट आएगी बाय लोन क्रेडिटर्स, कितने, तो लोन क्रेडिटर्स आप 3,200, ये इसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा लोन क्रेडिटर्स को, ठीक है। सो अब ये 3,000 जो अनरियलाइज्ड असेट्स है उसकी इफेक्ट क्या हुई, तो उसकी डायरेक्ट एंट्री नहीं हुई बट इनडायरेक्टली उसकी एंट्री हो गई, आपको समझ आया कैसे। तो अगर मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स का पेमेंट 6,200 करूँ, ये लिखना नहीं है समझना है खाली, मैं क्रेडिटर्स का पेमेंट 6,200 करूँ और अनरियलाइज असेट को 3,000 पे यहाँ पे क्रेडिट साइड शो करूँ कि अनरियलाइज असेट के 3,000 मिले, 6,200 का लायबिलिटीज का पेमेंट करूँ लोन क्रेडिटर का और 3,000 की असेट शो करूँ, तो नेट करो तो कितना हो रहा है, 6,200 और क्रेडिट साइड 3,000, नेट कितना हो रहा है, 3,200। सो हम क्या कर रहे हैं, ये दो एंट्री को अलग शो नहीं कर रहे, अलग इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि ये 3,000 जो है वो अपना कैश में रियलाइज हुआ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, 6,200 और 3,000 क्रेडिट साइड डिफरेंस करके नेट कितना शो करेंगे, तो 6,200 माइनस 3,000 हम सीधा 6,3,200 रुपीज़ लोन क्रेडिटर का रिकॉर्ड अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे जो हमने एक्चुअली पे किया था, और उसकी दूसरी इफेक्ट कैश अकाउंट में हमने शो कर दी, ठीक है। सो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर डन हो गया। इसके बाद आगे एडजस्टमेंट्स पे जाते, एडजस्टमेंट में सेट थर्ड नंबर का हो गया, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर बोला है रिमेनिंग असेट रियलाइजेस फॉलो। असेट्स का रियलाइजेशन आपको बोला है, प्लांट्स एंड मशीनरी 17,000 लिखना स्टार्ट कर लेते। असेट्स का जब रियलाइजेशन होगा तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, सबसे पहले प्लांट्स एंड मशीनरी। सो प्लांट्स एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी, तो प्लांट्स एंड मशीनरी 17,000, फिक्चर्स 1,000, प्लांट्स एंड मशीनरी 17,000, फिक्चर्स आर 1,000, इसके बाद स्टॉक 9,000, डेटर्स 16,500, स्टॉक 9,000 एंड डेटर्स आर 16,500, डेटर्स यहाँ पे 16,500 डेटर्स की वैल्यू, ओके। और लास्ट में आफ्टर डेटर्स, पेटेंट में बोला है कि 50% ऑफ द पेटेंट बुक वैल्यू इज रियलाइज, पेटेंट की 50% वैल्यू रियलाइज हुई। अब बैलेंस शीट में आप देखो तो पेटेंट की वैल्यू ओरिजिनली कितनी थी, तो बैलेंस शीट में पेटेंट की वैल्यू यहाँ पे
10,000 थी, ठीक है। अब आप याद करो हमने क्या किया था, तो 10,000 के जो पेटर्न थे, 10,000 में से 6,000 के पेटर्न हमने क्रेडिटर्स को दे दिए थे 4,500 पे, तो बाकी के पेटर्न हमारे पास बचे कितने, ओनली 4,000। 10,000 के पेटर्न में से 6,000 के पेटर्न ऑलरेडी क्रेडिटर्स को हमने दे दिए और 4,500 पे दे दिए, तो उसकी इनडायरेक्ट एंट्री 4,500 की हमने ऑलरेडी कर दी है, और बाकी के जो क्रेडिटर्स है, बाकी के जो पेटर्न है 4,000 के बचे, आपको ऐसा बोला कि इसका 50% वैल्यू रियलाइज़ हुआ, तो 4,000 का 50% मीनिंग कितना रियलाइज़ हुआ होगा, 2,000। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे पेटेंट जो रियलाइज़ हुआ था, तो पेटेंट की रियलाइज़ वैल्यू दैट विल बी ओनली 2,000, तो वो एक अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। एंड टोटल करें तो 17,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000 प्लस 16,500 प्लस 2,000, 17,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000 प्लस 16,500 प्लस 2,000 कम्स टू 4,550, 4,550। एंड कैश ऑन बैंक अकाउंट में डेबिट से रहेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,550, कैश एंड बैंक में डेबिट से रहेगा बाई रियलाइजेशन 4,550, ठीक है। एक एंट्री कंप्लीट होगी एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट एंट्री पेटर्न रियलाइज हुआ, फिर आगे बोला है लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 500 एंड अलाउड बाई डीटर्स, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। अब लाइबिलिटीज में चेक कर ले कि लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज थी, तो एक क्रेडिटर्स है उसका पेमेंट ऑलरेडी हमने कर दिया है, यहाँ पे आप देखो क्रेडिटर्स का ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, और दूसरे एक लाइबिलिटी थी लोन अकाउंट का, उसका भी हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, एंड टोटल इसके सिवा और कोई लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं है। 12,800 प्लस 3,200 कम्स टू 16,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 16,000, ओके। एंड ये 16,000 ऑलरेडी यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट में भी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, ओके। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स का टोटल खाली करना बाकी था, 3,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 10,400 प्लस 18,400 प्लस 10,000 कम्स टू 70,800, 70,800 असेट्स का रियलाइजेशन हुआ था, असेट्स की वैल्यू थी, ओके। एंड बाकी कोई एडजस्टमेंट्स चेक कर लो, ओके। लास्ट एडजस्टमेंट था एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन इज 2,300, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश 2,300, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,300, और उसका जब पेमेंट होगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,300, ओके। एंड ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, नाउ क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट, सब कुछ क्लोज हो गया, बाकी सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। जीएलपी अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, पार्टनर्स लोन अकाउंट एक क्लोज करना बाकी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाकी, कैश अकाउंट और लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले अपने स्टेप वाइज आए तो सबसे पहले काम क्या होता है, बैलेंस शीट क्लोज करो, उसके बाद असेट रियलाइज करो, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करो, तो असेट रियलाइज हो गई, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो गया। इसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट का पेमेंट करो, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस है 15,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट से पहले क्लोज करना है। तो पार्टनर्स में लोन अकाउंट में 15,000 का बैलेंस पेमेंट आ रहा है, और कैश अकाउंट में आप चेक करो 15,000 है क्या, येस ऑफ कोर्स, कैश एंड बैंक अकाउंट में आप चेक करो तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मीनिंग अपने पास 15,000 पे करने के लिए अवेलेबल है। अगर ना हो तो फिर इसको प्रपोर्शनेटली या तो पे ना भी हो, ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, इसलिए आपको पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट पे करने से पहले चेक करने का कि क्या पार्टनर्स लोन पे करने के लिए कैश अवेलेबल है क्या। तो इसमें कैश अवेलेबल है तो एंट्री विल बी पास इन पार्टनर्स कैपिटल लोन, सॉरी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, और इसको पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर कैश अकाउंट में क्रेडिट सर आ जाएगा बाय लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट कितना था 15,000, सो पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड कैश में क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट 15,000, ओके। एंड इसके बाद फिर फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करें, एक एक करके सारे बाकी अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट कर दें, तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल इज 17,800 प्लस 6,200 प्लस 400 प्लस 4,550 माइनस 70,800 माइनस 16,000 माइनस 2,300 कम्स टू 19,200, डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है,
तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो क्रेडिट साइड डिफरेंस लिखेंगे, सो ये रियलाइजेशन लॉस हुआ। ओके अगर आपने वो जेएलपी वाला जो प्रॉफिट था अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया होता तो इसमें प्रॉफिट लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन अपना आप डायरेक्टली जेएलपी क्लोज करके कैपिटल में डाल दो या रियलाइजेशन अकाउंट टू ट्रांसफ़र करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें आंसर आ रहा है 19,200, एक बार टोटल 7,0800 डेबिट साइड प्लस 16,000 प्लस 2,300 8,910 माइनस 17,800 माइनस 6,200 माइनस 400 माइनस 4,550। ओके 19,200 का डिफरेंस आया है, 19,200 ये जो डिफरेंस आया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर्स के नाम थे RWA, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक कर लो क्या था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज समथिंग 4:2:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3, तो यहाँ पे 4:2:3 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 9:4:8533। फोर टू सिक्स सेवन एंड 6,400 बराबर, ये कैपिटल अकाउंट का रियलाइजेशन का लॉस था जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 8,533 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज 8,533 8,533 4,2,6,7 एंड 6,400 एंड 6,400। ओके एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया कर देंगे। जीएलपी और लोन अकाउंट पार्टनर्स का ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करके कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और लास्ट में कैश अकाउंट क्लोज कर देंगे। सो बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दें तो सबसे पहले आर का अकाउंट 30,000 प्लस 5,733 माइनस 8,533 कम्स टू 2,7,200। आर का बैलेंस 2,7,200, W 10,000 प्लस 2,867 माइनस 4,2,67 8,600, W का बैलेंस 8,600 और A का 2,000 प्लस 4,300 2,000 प्लस 4,300 माइनस 5,300 माइनस 6,400 कम्स टू 5,400। इसमें डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है सो क्रेडिट से डिफरेंस आएगा, ये कैश लाएगा और ये लोग कैश ले जाएंगे। सो यहाँ पर डेबिट साइड डिफरेंस टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड जो डिफरेंस आया उसको कैश आपको पे करना है, क्रेडिट साइड डिफरेंस आया वो कैश लाएगा। सो फाइनली ये एंट्री कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू ए अकाउंट कितना 5,400 5,400 और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जिनको पे करना है दैट इज आर एंड डब्ल्यू, तो बाय आर अकाउंट एंड बाय डब्ल्यू अकाउंट कितना पे करना है। सो 2,7,200 पे कितना करना है 2,7,200 और सेकंड पे करना है 8,600 2,7,200 एंड 8,600 इनको पे करेंगे एंड फाइनली कैश का टोटल करें तो 8,000 प्लस 10,200 प्लस 4,550 प्लस 5,400 6,910 12,800 प्लस 3,200 प्लस 2,300 प्लस 15,000 प्लस 2,7,200 प्लस 8,600 6,910। सो डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल कैश का मैच हो जाएगा 6,910 टोटल कम्स टू 6,910। ओके एंड फाइनली कैश अकाउंट टोटल 6,910 डेबिट क्रेडिट टैली हो जाएगा एंड फाइनली ये कैश अकाउंट क्लोज कर दिया एंड फाइनली क्वेश्चन इज ओवर।
सो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बातें थी, इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन में जेएलपी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, जेएलपी की ट्रीटमेंट क्या देनी है, जेएलपी की ट्रीटमेंट क्या करना है, क्रेडिटर्स अगर कोई असेट टेक ओवर कर लेते तो उसका अकाउंटिंग क्या होगा, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर आप कोई असेट्स के फॉर्म में करते तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बातें आपको समझनी थी बराबर। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल यूजुअल क्वेश्चन था, जेएलपी अकाउंट कैसे बनाया था वो आपको एक क्लियर हो गया होगा बराबर। और इसके सिवाय जेएलपी के शॉर्टकट्स समझने के लिए हमारे पास फाउंडेशन की जो वीडियो लेक्चर्स है उसके अंदर भी था, और यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे यहाँ पे भी है, जेएलपी का एक शॉर्टकट का वीडियो होगा, अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो एक बार एक जेएलपी का शॉर्टकट का वीडियो देख ले। तो ये जो मैंने आपको अकाउंट बना के समझाया जेएलपी अकाउंट, वो आप शॉर्टकट से अकाउंट बनाए भी ना भी कर सकते हैं। तो आपको वो तीन शॉर्टकट, आप फाउंडेशन की बुक ओपन करोगे तो भी आपको मिलेगा, तीन शॉर्टकट लिखे थे उसमें। थर्ड मेथड का ये क्वेश्चन था, बैलेंस शीट में अगर जेएलपी रिजर्व दिया हो तो मैंने ये थर्ड मेथड का क्वेश्चन था, तो आप वो शॉर्टकट अप्लाई करके डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।